Hello, welcome to part 2 of NCERT exercise 4.3, chapter quadratic equations. Let's start. We have already discussed 3 questions in the previous video. Okay, so the sum of reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. देखो यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है. पहले आपको क्या पूछा है, आपको पूछा गया है प्रेजेंट एज किसकी, रहमान की. तो आप क्या लिखो, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स. इसको आप क्या ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, जो मर्जी लो. अच्छा एज पूछिए तो मैम पे एक्स इयर्स भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर इयर्स में ही आएगा, एज हम इयर्स में काउंट करते हैं. लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स इयर्स, ठीक है. अब हमें उन्होंने क्या बोला, कहते हैं कि 3 इयर्स अगो और 5 इयर्स फ्रॉम नाउ. आप इसका मतलब समझो पहले क्या है. 3 इयर्स अगो, अगो मतलब हो गया जो बीत गया, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है. जैसे अब 20-20 चल रहा है तो 3 साल अगो मतलब कि 2017 की बात हो रही है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 3 इयर्स अगो रहमान्स एज विल बी, रहमान की एज कितनी थी, रहमान्स एज वॉज, रहमान्स एज वॉज कितनी एज थी 3 साल. अगर आज आप 10 साल के हो तो 3 साल पहले आप कितने साल के थे, x माइनस 3, मतलब आज आप 10 के हो, 3 साल पहले आप 10 माइनस 3 ईयर्स के थे. देखो आगे लिखा हुआ है 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, ठीक है. तो आज से 5 साल बाद क्या होगा, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ. आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है ना. आज आप 10 साल के हो, 5 साल बाद 15 साल के हो जाओगे, प्लस कर दिया, ठीक है ना. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी इंग्लिश के टर्म्स है. अब उन्होंने क्या बोला, द सम, सम कह रहे हैं, सम का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है. द सम, सम डाल दिया मैंने, ऑफ द किसका सम बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जैसे 2 है आपसे पूछे इसका रेसिप्रोकल क्या है, तो आप लिखोगे 1/2, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल्स, ठीक है ना, मतलब कि उसका उल्टा. ओके तो वो कह रहे हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस. अब जो 2 हमने न्यू एजेस निकाल ली हैं इनका रेसिप्रोकल बोल रहे हैं, ठीक है ना. तो हमने क्या करना है, इसको 1/2 ही करना होता है. तो आई विल राइट 1/(x-3), यहाँ पे लिखेंगे 1/(x+5), ठीक है. हमें कितनी दे रखी है, इज 1/3, हमें ये इसका सम कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे पहले एलसीएम, ठीक है. एलसीएम क्या लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा एलसीएम होगा, x-3 x+5, ये दोनों का प्रोडक्ट है, ये मेरा एलसीएम है, ठीक है. और हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. x+5 प्लस है तो प्लस डालेंगे बीच में, अगर है माइनस तो डालेंगे माइनस. x-3 = 1/3, यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ कटिंग हो रही है, नहीं. ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास, 2x, 5-3 कितना आया, +2. देखो x प्लस x करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है, 5-3 2. नीचे क्या करेंगे, इनको ओपन कर दो ब्रैकेट्स को, ठीक है ना. x को मल्टीप्लाई करा x से, x स्क्वायर, x को करा 5 से, कितना आएगा, 5x-3x, ठीक है ना. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार पहले से एक बार ही दूसरे से, -15 = 1/3. ओके थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2x+2/x2, 5-3 कितना होता है, 5 में से 3 गए, कितना आएगा, 2x-15 = 1/3. अब हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2x+2 से, और इसको कर देंगे इधर x²+2x-15. अब इसको सिंप्लीफाई करके हम बना लेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. फिर उसको हमें सॉल्व करना होगा, फटाफट से सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, 6x+6 = x²+2x-15. इसको इधर शिफ्ट कर दो, सबको एक साइड पे शिफ्ट कर दो, 2x-6x-15-6. मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखा है, देखो ये x है यहाँ पे, यहाँ पे भी x है, तो ये आपस में क्या हुए, लाइक टर्म्स. 6 और 15 कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये भी क्या हुए, लाइक टर्म्स, इक्वल टू 0.
ठीक है। अब क्या है, 2 माइनस 6 बड़ा है 6, साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, नेगेटिव आ गया। 2 माइनस 6 कितना होता है 4x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 प्लस 6 कितना होता है 21 इक्वल टू 0। ये हमारी बन चुके क्वाड्रेटिक। अब इसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। एक तो छोटी सी इक्वेशन है, तो हम स्प्लिटिंग से बड़ी फास्ट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, रफ पे करके देखते हैं, हमें से दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पे आए 4, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए मेरे पास 21। इसके तो दो ही फैक्टर बनते हैं, देखो प्राइम 7 इंटू 3 21 होता है, इसके दो ही फैक्टर्स बनता है, कोई फैक्टर ही नहीं बनता, और 7 में से 3 गए 4 ही होता है हमारे पास। साइंस देखने कि मुझे 7 का और 3 का साइन क्या लगाना है, मुझे साइन चेक करना है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -4, ठीक है ना, मुझे -4 चाहिए। तो मतलब बड़े वाले का साइन लगाते हैं हमेशा, तो बड़े वाले को मुझे नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और मुझे यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगी नेगेटिव, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पर मुझे इसको करना तो माइनस ही है ना, तो ये मेरा होगा प्लस का, ठीक है ना। साइन ऐसे चूज कर लिए। अब हम लगाएंगे अपनी शॉर्ट ट्रिक जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, x-7 और लिखेंगे x+3, ठीक है। यहाँ पे आगे 1 है, तो यहाँ पे हम 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से x कितना आ गया 7, और कितना आ गया मेरे पास 3, सॉरी -3। अब देखो हमने x क्या लिया था, x मैंने लिए थे ईयर्स, मैंने उसकी एज ली थी। कभी किसी की एज नेगेटिव हुई है, नहीं, एज नेगेटिव नहीं होती, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट। तो मेरा आंसर कितना आया x=7। तो मेरे मेहमान की एज कितनी आई है 7। ओके, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। कहते हैं क्लास टेस्ट हुआ, उसमें शिफाली के मैथ्स के नंबर और इंग्लिश के नंबर 30 आया, ठीक है। तो क्या है, मैथ्स के मार्क्स लगा लो, लेट कर लो, मैथ्स के मार्क्स लेट कर लो, फिर इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। ओके, हम इसको लिख लेते हैं, लेट शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स। हम मान लेते हैं कि उसकी मैथ्स में एक्स मार्क्स आए होंगे। देखो हमें उन्होंने पूछा भी क्या है, फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट, जो पूछा होता है वही हमें लेट करना होता है, ठीक है ना। मैथ्स में मैंने एक्स ले लिए, इंग्लिश में हम क्या लेट कर लेते हैं, इंग्लिश में हम लेट कर लेते हैं वाई, ठीक है ना, वाई लेट कर लेते हैं। एक्स और वाई दो नंबर हमने लेट कर लिए मार्क्स, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सम है, दोनों का सम, मतलब कि जितने मैथ्स में नंबर आए और जितने इंग्लिश में नंबर आए, दोनों को मिला के कितने नंबर बनते हैं, उसके 30 नंबर बनते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई विल राइट दैट x+y=30। ये मुझे दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है मेरी। आगे, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, कहते हैं अगर उसके मैथ में 2 नंबर ज्यादा आए होते, अभी कितने आए हैं x, ठीक है ना। तो अगर उसके x+2 आए होते, 2 नंबर ज्यादा आए होते मैथ्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम आए होते, इंग्लिश में 3 अगर कम आए होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो कहते हैं अगर ऐसा हुआ होता तो इन दोनों के नंबरों का प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना आता मेरे पास 210 आता, ठीक है। ये नंबर थे मेरे पास मैथ्स के, मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा कह रहे हैं, जो बोला हम वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 नंबर इंग्लिश में कम, इंग्लिश में 3 मैंने कम कर दिए, माइनस कर दिए, और कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उनके नंबरों का मल्टीप्लाई हमें कितना दे रखा है 210। अभी ये क्वाड्रेटिक तो बनी नहीं, क्वाड्रेटिक हम बनाएंगे कैसे, पहली क्वेश्चन से वाई की या फिर एक्स की कोई भी वैल्यू निकालो, वाई की निकाल दे 30 - x आएगी, तो वो यहाँ पे पुट कर दो। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो वाई की वैल्यू को, तो x+2y कितना है मेरे पास 30 - x - 3 = 210। पुट कर दी, सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 30 - 3 कितना होगा 27 - x। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, कितना आएगा 27x - x2, फिर 2 को करेंगे कितना आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम सेम एक्स की पावर्स हैं,
ठीक है, 27 - 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस 25x, और यहाँ पे 54 है, 210 को इधर ले आओ, शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा फाइनली मेरे पास, बन रहा है ये -156 = 0। देखो यहाँ पे एक्स के का कोफिशियंट, मतलब जो हमें -1 आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वी डोंट वांट नेगेटिव, हमेशा हम नेगेटिव को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x² नेगेटिव को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो सबके साइन चेंज कर दो, सबके साइन क्या कर दो, चेंज, इक्वेशन सेम ही रहते हैं, फर्क नहीं कोई बन आता, ठीक है ना। ओके, तो इसको हम स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, बनाएंगे इसके हम फैक्टर्स, 156, ओके, 2 पे जाएगा 78, अगेन 2 पे 39, 3 पे 13 एंड 13। ओके, फैक्टर्स कैसे बनाने हैं मेरे को चूज करना है, ताकि मेरे पास उनको प्लस या माइनस करने पे 25 आए, ठीक है ना, एडिशन पे देखते हैं। ओके, तो मेरे पास फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 3 × 13। चलो पहले पेयर्स बनाते हैं, 2 2 4, 13 3 39, ये मैंने बनाया पेयर, इनको प्लस करने पे या माइनस करने पे 25 नहीं बनता, नो, तो ये मेरा पेयर तो फेल हो गया, अब मुझे कोई और पेयर सोचना पड़ेगा, ठीक है, आप भी सोचो क्या बनेगा। ओके, अब ऐसे करते हैं, इन दो को लेते हैं, 3 2 6, 13 2 26, इनको प्लस करके 25 बनता है, नो, माइनस करके बनता है, नो, तो पेयर से तो हमारी बात नहीं बन रही है, ट्रिपलेट लेते हैं। देखो अगर मैं इन तीन नंबर्स को ले लूँ तो क्या आएगा, 3 2 6, 6 2 12 और 13, ठीक है, तो इनको ऐड करने पे यस 25 बनेगा, पर साइन क्या चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए, और मुझे करना तो प्लस है, तो मेरे को दोनों को नेगेटिव देना पड़ेगा, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव, अगर हम प्लस भी करेंगे और साइन तो हम लगाएंगे बढ़ेगा, जो कि 13 है। तो मेरे पास क्या, डायरेक्टली लिखते हैं फिर से हम फैक्टर्स को, x - 12, x - 13 = 0, x कितना आ गया 12 और दूसरा कितना आ गया 13। अब x की वैल्यू को यहाँ पे y की क्वेश्चन में पुट करो, आपके पास y का आंसर आएगा, अगर 12 हुआ तो y कितना आएगा 30 - 12, और अगर मेरे पास 13 हुआ तो कितना आएगा 30 - 13, तो आंसर कितना आ जाएगा दोनों केसेस में 18, और यहाँ पे आ जाएगा 17, 17 और 18 दो आंसर आ गए, ठीक है y के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो द डायगनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक डायगनल रेक्टेंगुलर फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, इसकी डायगनल हमें दे, डायगनल ये होती है इसकी, ठीक है, इज 60 मीटर्स मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, ये होगी ब्रेथ, ब्रेथ होती है हमारी शॉर्टर साइड, लेंथ होती है हमारी लॉन्गर साइड, ठीक है। तो कहते हैं जो डायगनल है हमारी वो 60 मीटर्स मोर है, मतलब कि ज्यादा है 60 मीटर्स, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड बी एक्स, इसको हम क्या ले लेते हैं, बी एक्स ले लेते हैं, इसको मैं ब्रेथ को बी ले लेती, एक्स ले लेती हूँ, और कह रहे हैं कि जो मेरी डायगनल है, जो कि डायगनल है, इसको अगर मैं नेम दूँ ए बी सी डी, तो मेरी जो बी डी है डायगनल वो कितनी है मेरे पास, 60 मीटर्स मोर, तो लेंथ ऑफ डायगनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगनल कितनी आ जाएगी मेरे पास, एक्स प्लस 60, ठीक है, ये भी मीटर्स में है, ये भी मीटर्स में लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि हम इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, कहते अगर मेरी जो लॉन्गर साइड, मतलब जो मेरी लेंथ है वो 30 मोर है शॉर्टर साइड से, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ शॉर्टर सॉरी लॉन्गर साइड, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लिखना है हमें यहाँ पे, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड कितनी आएगी हमारे पास, ये एक्स प्लस 30 मोर देन शॉर्टर, तो शॉर्ट सी लेनी थी तो शॉर्ट को हमने एक्सलेट कर लिया, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें कहते हैं कि साइड फाइंड करो, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो, हमें मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितने डिग्रीज का होता है, 90 डिग्रीज, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है मेरे पास, हम यहाँ पे लगा सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम जिसको नहीं पता वो क्या होती है, कि वो बोलता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कोई मेरे पास अगर रेक्टेंगल होगी,
ठीक है, तो नीचे वाला होता है बेस, दिस इज माय बेस, दिस इज माय परपेंडिकुलर, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, मतलब कि एच। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम है ये, हम लगाएंगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अब इस केस में मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, मेरी डायगनल, ये मेरी हाइपोटेन्यूज है, तो डायगनल का स्क्वायर करेंगे, डायगनल का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, एल लेंथ मेरी कितनी है x+30 का स्क्वायर, और ब्रेथ मेरे पास कितनी है x का स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये x और ये x को कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर के होगा माइनस का, साइन सेम है, और इक्वल टू के साइड पे और साइन सेम है तो कैंसिल कर देंगे, और सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, मैं इन दोनों को उस साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 है माइनस 3600 माइनस 120x इज इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स देखो, ये 60x और माइनस 120 लाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना, दोनों के पास x का है, x दोनों x x में है, वेरिएबल सेम, दोनों का पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो 60 माइनस 120 कितना होता है, माइनस 60 होगा, साइन हम लेंगे बड़े वाले का, ग्रेटर का साइन लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 900 माइनस 3600 कितने होते हैं माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लो क्या करना है, आपको स्प्लिटिंग लगानी है या फिर आपको डी का मेथड यूज करना है। वैसे तो यार स्प्लिटिंग से क्वेश्चन थोड़ा इजी होने वाला है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे 27 और 6 को कंसिडर करो, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं मेरे पास 27 के, देखो 9 3 27 है ना, 9 3 27, और 9 3 6 भी होता है, ठीक है ना, तो हमारे पास यहीं पे 90 और 30 ले लो तो 60 भी आ जाएगा, है ना, तो स्प्लिटिंग इसकी इजी हो रही है, तो मेरे नंबर्स के कंसिडर करेंगे 90 और 30, मुझे करना है इनको माइनस है ना, ताकि मेरे पास 60 आए, और 60 का साइन क्या है नेगेटिव, तो मैं बड़े को दूंगी नेगेटिव, छोटा क्या आएगा मेरा पॉजिटिव। अब डायरेक्ट आंसर्स लिख दो, एक्स माइनस 90 एक्स प्लस 30, ठीक है, यहाँ से x कितना आ जाएगा 90 और कितना आ जाएगा माइनस 30। अब साइड जो साइड है जो लेंथ है नेगेटिव तो होती नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, आंसर कितना आएगा मेरे पास 90। ओके, तो मेरे पास मेरी ब्रेड थी शॉर्ट साइड थी 90 आ चुकी है, लेंथ कितनी आ जाएगी मेरी, लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी 90 प्लस 60 जो कि कितना हो गया 150, ठीक है ना, डायगनल की लेंथ आ गई 150, और जो मेरी लेंथ है रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड है वो कितनी आ जाएगी 90 प्लस 30 कितनी हो गई 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर्स है हमारे पास, उनका डिफरेंस, किसका डिफरेंस, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। चलो लेट कर लेते हैं कि एक नंबर मेरे पास x है, दूसरे नंबर मेरे पास y है, डिफरेंस चाहिए, लेकिन मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है, किसको करना है, डिफरेंस ऑफ किसका, स्केयर्स का, इनके स्केयर का, दोनों का स्केयर कर दिया मैंने, कितना दे रखा है मुझे 180 मुझे गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, द स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर, कहते हैं अगर जो छोटा नंबर है अगर मैं उसका स्केयर करूँ, ठीक है, तो मेरे पास वो कितना आएगा 8 times आएगा मेरे लार्जर नंबर के। तो आप मुझे देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो इसमें से मेरा छोटा नंबर कौन सा हुआ, ऑब्वियसली वाई हुआ, क्योंकि मैं बड़े में से छोटे को माइनस करूंगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखती वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 180, तो मेरा स्मॉलर नंबर क्या होता, एक्स होता, ठीक है, दोनों के जिसमें आंसर तो सेम आने वाला है, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, द स्केयर, हाँ जी, स्केयर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉल नंबर क्या है मेरा वाई, इसका स्केयर क्या है, इज मतलब कि इक्वल टू इज 8 times मतलब कि 8 times का मतलब मल्टीप्लाई, 8 times किसका, लार्जर नंबर का, लार्ज नंबर मेरा क्या था, x था, ठीक है, तो y square मेरे को कितना दे रखा है 8x, ये डायरेक्टली हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास x square minus 8x, इसको इधर ले आओ शिफ्ट कर दो, minus 180 equal to 0, ये मेरे पास फटाफट से क्वाड्रेटिक बन गया, इसके फटाफट हम रूट्स निकालेंगे। इसमें हम फिर से स्प्लिटिंग यूज करते हैं, अगर आपको स्प्लिटिंग डिफिकल्ट लग रही है, ऐसे लगनी चाहिए नहीं, अगर आपको डिफिकल्ट लग भी रही है डोंट वरी, आप इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी कर सकते हैं। चलो ऐसे करते हैं, बी स्क्वायर से भी करते हैं, दोनों तरीके, एक बारी मेथड्स आपको मैं समझा देती हूँ, आपको अच्छा रहेगा।
माइनस बी स्क्वायर सॉरी माइनस एट स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है मेरे पास 1, सी मेरे पास कितना है 180, 88 स्क्वायर 64 माइनस, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा ठीक है 180 माइनस, साइन साथ पे कंसीडर करें तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 18 4 72 0 7 720, इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 784, ओके सो हमारे रूट्स क्या आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो हमारे पास b कितना है माइनस 8 ऑलरेडी, ओके b माइनस 8 है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 784, ये होता है 28, ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा 28 अपॉन 2a, a मेरे पास कितना है 1 अपॉन 2, ठीक है इजीली आंसर आगे क्या आएगा 8 एक बार प्लस करेंगे 28 को डिवाइड बाय 2, एक बार हम माइनस करेंगे 28 को डिवाइड बाय 2, ठीक है दो नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, ये बनेगा 36/2 जो कि आएगा 18 और ये बनेगा -20/2 कितना आएगा -10, तो मेरे पास ये दो आंसर्स आ चुके हैं किसके x के, x का आंसर आ गया यहाँ पे पुट करो y का निकाल लो, y का स्क्वायर कितना आएगा 8 × 18 एक बार ही, दूसरी बार कितना आएगा y का स्क्वायर यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 8 × -10 नेगेटिव आ रहा है, देखो यहाँ पे पुट करें नेगेटिव बन रहा है y, y यहाँ पे स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, y स्क्वायर कभी -80 के इक्वल आ ही नहीं सकता, इज नॉट पॉसिबल, तो हम -10 को कर देंगे रिजेक्ट, तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा x का 18, ओके तो जब हमने यहाँ पे 18 पुट करा 18 × 8 कितना आ गया दिस इज 144, ठीक है तो y कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 144, आपको पता है ये 12 का होता है स्क्वायर तो प्लस माइनस 12, तो y के मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है सो माय फाइनल आंसर क्या बनेगा, x का मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 18 और y के मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही है प्लस 12 और कितना आ रहा है माइनस 12, ठीक है ना, तो मतलब x तो 18 फिक्स ही है, x 18 तो होगा, y 12 भी हो सकता है और y माइनस 12 भी हो सकता है, ठीक है ना, ये मेरे पास दो पेयर्स बनने वाले हैं, इनमें से कोई भी हमारा आंसर होगा, ठीक है स्प्लिटिंग से भी करते अगर हम यहाँ पे तो मेरे फैक्टर्स क्या बनने वाले थे अगर स्प्लिटिंग से करते तो मेरे पास यहाँ पे आता 18 और 10, ठीक है ना माइनस 18 और प्लस 10 मेरे पास बनता, ठीक है ना क्योंकि 18 10 का 180 होगा और 18 से अगर हम 10 निकालेंगे तो 8 आने वाला है, तो मेरे अगर स्प्लिटिंग से करते तो मेरे पास ये दो फैक्टर्स बनने वाले थे, अगर आप अगर एग्जाम में आपसे ये दो फैक्टर्स नहीं निकल रहे तो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से अपना फॉर्मूला लगा लो, ठीक है थोड़ी सी सॉल्विंग की होती है बट स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस करो क्योंकि इससे आंसर बहुत क्विक आते हैं हमारे पास। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, यार लाइक कर दो कमेंट करो कैसी लगी, कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, अगर कुछ बुरा लगा तो भी बताओ, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यार टिल देन।